और गाइस पूरा दिन बमबारी घर में होने के बाद में कढ़ाई में भी बम, ठीक है, बम की सब्जी बना रही है। बेटा जो बड़ा हो जाता है ना उसकी शादी नहीं, जब समझदार होते हैं तब शादी होती है। तेरे को कैसे पता लगा मैं बचपन में समझदार था? अरे मैं जब बड़ा हुआ तब समझदार हुआ था। और तू तो अभी से ही क्या नाम है समझदार है छोटे से ही, तो तू शादी कर सकता है अभी। कैमरा दो मुझे कैमरा क्या करना है? अच्छा मैं वीडियो नहीं कर रहा, मैं मम्मा से बात कर रहा हूँ। जा तू जाके बैठ जा उधर, मैं तेरी तरफ नहीं कर रहा, मैं मम्मा से बात करूंगा। चल जा। है मोना सही बात नहीं है? ये तो क्या नाम है, इसकी तो शादी करनी चाहिए, तो छोटे भाई समझदार हो गया। और जो समझदार होता है उसकी शादी कर देते है ना, सारी बातें जानता है। अपलोड किया ना तो माल के हलवा बना दूंगा। हलवा बना देगा और वो हलवा हम तेरे को खिलाएंगे। हलवा खिलाने में मेरा वैसे भी फेवरेट है। तो तेरी शादी तो फिलहाल हम कर ही दे हम नहीं, तूने देख रखे हैं या हम देखें? हम देख लें, मतलब तू तैयार है, राजी है? राजी नहीं है कुट्टू। ओ मैडम खाना बनाओगी या नहीं बनाओगी? ये पॉपकॉर्न के मजे ले ले करके जो ये देखो क्या देख रही है, बिग बॉस। ये जब जब स्टार्ट होता है ना बिग बॉस, इसकी मेरी कुछ नहीं तो कम से कम 10 बार लड़ाई हो जाती है। अभी भी हो ही नहीं थी। मुझे ना लिटरली समझ में नहीं आता दैट व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्यों है ये और बनाया किस लिए होता है? मतलब ये चाहते क्या है कि एक घर के अंदर 12-14 लोग बंद कर दो और मुझे ना बड़ी हंसी आती है जब कोई इस शो में से बाहर निकलता है और ये कहता है इस घर के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस घर के अंदर जो मैंने सीखा है वो पूरी जिंदगी मेरे काम आएगा और उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या सीखा है बे? हमें तो पता ही नहीं लगता है हमें क्या सीखा है। खाना बना ला, अपना खाना बना ला, बिग बॉस गया तेल लेने, ठीक है? खत्म हो ना, 11 बजने जा रहा है, मुझे भूख लग रही है यार। बना हुआ है बस लाना है, तो ले जा करके जाओ, जल्दी जाओ। ये साजिद लौकी लेके कहाँ जा रहा है बे? ये वॉशरूम में क्यों जा रहा है लौकी लेके? ये देखो वो ये कद्दू लेके भी, ओ भाई साहब इतने सारे वेजिटेबल्स लेकर गए जा रहे हैं। आई डोंट नो गाइस, आई थिंक साजिद कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। एनीवेज मुझे लग रही है भूख, मैं जाके खुद अपना खाना लेके खा लेता हूँ। तेरा नहीं ला रहा मैं, ठीक है? संडे का दिन और घर पे तो सारे सो ही रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक चल के गाड़ी की क्लीनिंग कर ले, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अंदर से। इनसाइड बच्चों ने बहुत गंदी कर दी थी, वो अपनी चप्पलें उतार उतार के सीटों पे टहल रहे थे, तो सीट्स सारी जो है ब्लैक से वाइट हो चुकी हैं। और मैं थोड़ी क्लीनिंग कर देता हूँ, देन उसके बाद घर चलता हूँ, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? आइए दिखाता हूँ आपको गाड़ी अंदर से कितनी गंदी है। ये देखो डस्ट, कितनी डस्ट हो रही है, नीचे भी कितनी गंदी हो रही है, बाहर से भी बहुत गंदी हो गई है। ये देख रहे हो आप, सीट जो है ना ब्लैक से वाइट कर दी बच्चों ने, तो ये सारी क्लीनिंग में निपटा देता हूँ। सारी सीट कवर सारे गंदे हो रहे हैं, देख रहे हो आप, सब कर देता हूँ मैं। और ये आपका भाई जिम्स का ऑन कार, क्लीनिंग करते हैं और फिर चलते हैं घर।
देखो वैसे तो मैंने इसके अंदर ना नीचे फ्लोर मैटिंग करा रखी है ताकि गाड़ी पे जितना भी डस्ट जाए ना हम उसको बाद में इजीली साफ कर सकें। तो अब ये देख सकते हो ये इधर भी है और ये होल गाड़ी में मैंने किया हुआ है, नीचे तक ये देख रहे हो जा रहा होगा सारा। तो मेरे को ईजी पड़ता है क्लीनिंग करने में इसकी, बट अपने मैट से हटाता हूँ मैं और क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पूरी गाड़ी पर फ्लोर कवरिंग करा रखी है। ये देखो दैट साइड से गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्लीनिंग करनी चाहिए थी इसकी बहुत पहले, जो मैं आज कर रहा हूँ। सारा डस्ट जो है ना उस पर आ जाता है, मैटिंग कराने का यही फ़ायदा है। अगर आप लोगों ने नहीं करा रखी अपनी गाड़ी के अंदर तो आप लोग भी करा लें, और मैंने अपने डैशबोर्ड से कंट्रास्ट मिला के कराई है, आप लोग अपने हिसाब से करा सकते हैं। सो गाइज ऑल सेट, सब कुछ सेट हो गया है, ये गाड़ी मैंने पूरी क्लीन कर ली है। अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो अब हम चलते हैं हमारे घर की तरफ, ठीक है। इस घर पे मैं आ गया और घर पे आने के बाद मैंने देखा कि मेरी वाइफ अभी तक सो रही है, मेरे बच्चे जो हैं वो उठे हुए हैं बट वाइफ अभी तक सो रही है, और मुझे इस टाइम बहुत भूख लग रही है क्योंकि टाइम 11:30 अराउंड हो गया, बट इस लड़की ने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बनाया। मेरे गुस्से का ज्वालामुखी अभी फूट रहा है, और इस ज्वालामुखी फूटने की आवाज़ तो होनी चाहिए ना। बाबू मम्मा सो रही है, अभी नहीं उठी मम्मा? नहीं नहीं उठी। क्या हो गया? अरे खाली है भाई, ये देखो खाली है यार, इतना क्यों डरते हो तुम? और गाइस पूरा दिन बमबारी घर में होने के बाद में कढ़ाई में भी बम, ठीक है, बम की सब्जी बना रही है। बम के बोले हैं अब यही, मतलब तो यही बदला लेने वाली थी मेरे साथ। मैं तो क्या कहते हैं मेरे आगे पीछे फोड़े हैं ना, मेरे मुंह में फोड़े। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं जो हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं। मैं दर्द दूंगी ना इस मर्द को। यो 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 निकलेगा। जैसा कि आप मेरे प्रैंक में देखोगे, मैंने आज इस लड़की से बहुत मजे लिए हैं, सच में मजा आ गया कसम से। वो सारे के सारे जो एपिसोड्स हैं वो आपको मेरे प्रैंक वाले वीडियो में मिल जाएंगे, आप ब्लॉग वाले वीडियो में एंजॉय कर लो। मैडम के रिएक्शन, मैडम का रिएक्शन, कम ऑन, ये वाला रिएक्शन चाहिए, ये रिएक्शन चाहिए था। ये मुंडी हिला करके क्या धमका रही है मुझको? हैं, चिंता ना करो, फ्लावर समझी क्या मेरे को? अरे नहीं, तुम्हें गेंदे का फूल समझी। क्या बोली? गेंदे का फूल। ये जाना गेंदे का फूल। और भाई साहब इन्हें रियलिटी में देखो बारूद बना, ये बोले होते ना वो मुंह से ऐसे छील के जो पिक्चरों में फेंकते हैं तुम जाके फटते हैं हरे हरे से, वही बनाया लड़की ने, है ना? हाँ, सही है। और आज मैं मुने यार बहुत थक गया यार, मैं सच में यार आज इतना काम किया ना मैंने घर का, मैं बहुत थक गया हूँ। घूरने की जरूरत नहीं है, थक गया हूँ मैं, तो मैं सोऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, मेरे को भूख लग रही है, खाना खिलाओ मैं सोऊंगा। गाइस हाउ आर यू? देखा आप लोगों ने आज पूरा दिन कितना सारा काम किया मैंने, कितनी मेहनत करी है आप लोगों ने देखा। मैं मॉर्निंग में उठा, गाड़ी क्लीन करके आया, गाड़ी क्लीन करके आके फिर अपना घर क्लीन किया, खाना बनाया, खाना खाया, और आपकी मैडम जो है, आपकी जो परजाई है भाभी जो है, सारा दिन उनका बढ़िया मस्त एकदम टाइम पास किया है उन्होंने, उनका पूरा दिन बमों में खेली है, बमों में है मैडम। खाने में भी बम मिलेंगे आज पूरा दिन मैडम बमों में खेली है, और मुझे तो बहुत मजा आया। अभी फिलहाल लिटरली मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं, मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे को खाना दे दो, मेरे को सोने का है अभी। गाइस करते हैं ये सारी की सारी चीजों को यहीं पर एंड, क्योंकि आपका भाई बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, बहुत थक गया हूँ मैं, और सीरियसली ये सारी जो वीडियो पूरा दिन मैंने शूट्स करी है, अभी इनकी एडिटिंग भी मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी परजाई एडिटिंग बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि अगर परजाई ने एडिटिंग कर दी तो आपका देखना हर्जाई हो जाएगा, और उसका हर्जा ना मुझे भरना पड़ जाएगा, ठीक है।
तो मैं अब इन वीडियोस को एडिटिंग करने के लिए जुड़ जाता हूँ। गाइस करते हैं अच्छे से बढ़िया से एडिटिंग, और पहले डालते हैं प्रैंक, फिर डालते हैं ब्लॉग। तो आप पहले इंजॉय लीजिए प्रैंक के, जो आप ले चुके होंगे जब ये ब्लॉग आप देख रहे होंगे और अब आप मजे लीजिए ब्लॉग के। सो गाइस बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते रहिएगा आपके भाई जिम्स का से ऐसे ही हर वीडियोस के अंदर। और जो लोग भी चैनल पर नहीं होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर जाना, ताकि मेरे बाकी के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। और हम चलते हैं अब हमारे एडिटिंग के कार्य पर। कर दो हाँ जी, बाय 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 गाइस, बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।